नमस्कार, कैसे हो भाई? देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन रह गए हमारे, 19 और 20। उसके बाद हमारा ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उस पर करेंगे। तो इसमें कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन। देखो, इसमें दे रखा है 200 लॉग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, हाउ मेनी रो आर द 20 लॉग्स एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मैं समझाता हूं इसमें क्या क्या रखा है कि भाई यहां पे जैसे ये 200 लॉग्स रखे हुए हैं और सबसे नीचे कितना है, 20 की लाइन है, उसके ऊपर 19 की, फिर 18 की। तो ऐसे वो कितनी रो बनाता है और सबसे टॉप पे वो कितने आएंगे, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है और यहाँ 18। तो जो सबसे टॉप वाला रो है, ठीक है, उस पे कितने रो हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले ए हमारे पास है कितना, 20। उसके बाद कितना बनाता है वो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 20, फिर 19 आता है, फिर 18, ऐसे करके वो कितने बना लेता है हमारे पास, टोटल 200 है। तो ए हमारे पास कितना हो गया, ये डी फाइंड करना है और एस एन हमारे दे रखा है, उनका योग कितना हमारे पास 200। ठीक है भाई, 200 है। अब देखो मार्कर दूसरा ले लेते हैं। अब हमारे पास डी, डी कैसे फाइंड करेंगे, 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस के 1। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एस एन का, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है बेटा, अब एस एन हमारा दे रखा है 200, एन नहीं है हमारे पास फाइंड करना है, टू ए हमारे पास 20 है, प्लस एन माइनस वन और डी हमारे पास माइनस वन है। क्लियर? अब देखो क्या करना है, इस टू को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई टू एन यहां रह गया, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस में। अब माइनस वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, यहां पे माइनस एन स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 और यहाँ पे एन 40 प्लस माइनस माइनस एन स्क्वेयर प्लस में 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट तो को हटाएंगे। तो अब देखो इस एन को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां पे आएगा 41 माइनस एन स्क्वेयर। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 400, ये होगा 41 एन माइनस, सॉरी एन स्क्वेयर नहीं है ना, यहाँ पे एन ही आएगा, अब होगा एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर। ठीक है, इस पर सीखे तो एन ही रहेगा, तो ये इसके साथ किया तो एन स्क्वेयर हो गया। अब देखो क्या करना है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का, तो कितना हो जाएगा, फोर एन माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का हो गया और ये हमारे पास कितना है, प्लस में है ही ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे 0। अब देखो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एन स्क्वेयर प्लस, सॉरी माइनस 41 एन और प्लस में 400। ठीक है भाई, ये हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं बेटा। अब यहां पे प्लस या माइनस करने पर 41 आए और मल्टीप्लाई करने पर 400, तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 25 एन और माइनस के 16 एन। इसको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, क्या कॉमन है, एन, तो एन माइनस 25 और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो एन प्लस माइनस माइनस 25, क्या आ गया हमारे पास, एन माइनस 16 इक्वल 0 और एन माइनस 25 इक्वल 0। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और एन की वैल्यू कितनी आएगी, 25। अब हमारे पास दो एन है लेकिन इनमें से किसी एक का आंसर आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा के दोनों पुट करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है। तो
तो ए एन का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए हमारे पास 20 है, एन हमारे पास पहले 16 को रख के देखेंगे, ठीक है, 16 माइनस वन और डी माइनस वन, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 15 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। एक तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब रखते हैं किसको रख के, 25 को, तो a प्लस एन माइनस वन और d, तो ये हो गया प्लस 25 माइनस वन और d, 20 प्लस ये यहाँ पे 1, अब कितना हो जाएगा 20 माइनस 24, तो माइनस के 4, एक ये आंसर है और एक आंसर है, तो हमेशा प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि ऊपर माइनस थोड़ी होंगे, कितने माइनस 4, तो कितना आ जाएंगे प्लस, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।